स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, बिना एक और डाटा आई है, बिना सूचना के गायब 522 शिक्षक जो है उनका वेतन काटा गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों की विशेष कक्षाओं में 522 शिक्षक फिर गायब पाए गए हैं। गायब पाए गए ये सभी शिक्षक वेतन कटौती की कार्रवाई की जद में आ गए हैं। इनमें अररिया के 12, अरवल के 9, औरंगाबाद के 25, बांका के 9, भागलपुर के 12, बक्सर के 11, पूर्वी चंपारण के 14, गया के 15, गोपालगंज के 9, जमुई के 17, जहानाबाद के 17, खगड़िया के 3, किशनगंज के 9, कैमूर के 16, लखीसराय के 11, मधुबनी के 12, मधेपुरा के 19, मुजफ्फरपुर के 13, नालंदा के 39, नवादा के 28, पटना के 18, पूर्णिया के 6, रोहतास 33, सहरसा के 40, समस्तीपुर के 24, शिवहर के 2, शिवपुरा के 6, सारण के 28, सीतामढ़ी के 11, सुपौल के 11, सीवान के 3, वैशाली के 19 और पश्चिमी चंपारण के 21 शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग सेल को बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित 522 शिक्षक स्कूलों के इंस्पेक्शन में सोमवार को गायब पाए गए। इन शिक्षकों के उस दिन के वेतन में कटौती के आदेश दिए गए हैं। आपको याद दिला दूं कि सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से 15 मई 2024 तक गर्मी छुट्टी चल रही थी। उसी बीच में जो कमज़ोर पढ़ाई में जो कमज़ोर हैं या जो फेल कर गए थे, उन बच्चों का स्पेशल क्लास भी चल रहा था। अब चूँकि आज 16/5 तो आज स्कूल खुल गई है, तो पढ़िए मंडे का डाटा है कि उस दिन बिना सूचना के इतने जिलों से इतने शिक्षक जो है वो एब्सेंट पाए गए और कार्रवाई की गई, उनका उस दिन का वेतन जो है वो काट लिया गया। आज स्कूल खुल गई है और मॉर्निंग में स्कूल हो गई है बच्चों के लिए 6 से 12 और टीचर के लिए 6 से 1.5। तो इस टाइमिंग को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत सारा आक्रोश अभी देख रहे हैं हम लोग ट्विटर वगैरह पे। आपको इस टाइमिंग के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।